महानदी कूल केउंटी से ब्रह्मादी दीप केउंटी से धांगड़ी पहाड़ जो पहाड़ प्रतिटी शिलारे विद्यापति और ललितार प्रेम कहानी रही केउंटी अच्छी से प्राचीन कालर सबरपल्ली जहाँ सबर राजा विश्वावसु ग्राम केउठारे प्रभु नीलमाधव पूजा पाते भिडियो मध्यम आज यही सब जगह और इतिहास विषय जानवा प्रभु श्री नीलमाधव मंदिर नयागढ़ जिला कंटिलो ठारे अवस्थित दिने कंटेकोड़ीर जंगल थिबारु अंचल नाम कंटिलो होता पुराण वर्णित यही से ही पहाड़ जहाँ तीन पाखे बही जाऊँगी तीनोटी नदी कुआरिया कुसुमी और महानदी ए पहाड़ नाम ब्रह्मादी पहाड़ कारण एठी प्रभु नीलमाधव को पूजा करुथिले ब्रह्मा ब्रह्मा कलिजुगर प्रारंभ में यही स्थान को बाछिथिले यही स्थान रे प्रथमे विश्वावसु पूर्व ब्रह्मा नीलमाधव को पूजा करुथिले एही पहाड़ को ब्रह्माद्री ब्रह्मांचल मध्य कहुए काहेकि एही प्राचीन और पुरातन पहाड़ रे ब्रह्मा कामासुर और नामासुर नामक दुईटी असुर वध करिथिले नीलमाधव अर्थ हेउछि नील जगन्नाथ स्वरूप माँ सुभद्रा स्वरूप धब अर्थात बलभद्र स्वरूप नील युक्त माँ युक्त धब नीलमाधव ब्रह्मा एठारे बाघ गुंफा मध्य नीलमाधव को पूजा करुथिले भारत बर्षरे समस्त विष्णु मंदिर रे देखिथिबे विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण करिबार देखिथिबे किंतु एठी संपूर्ण भिन्न नीलमाधव दुई हाथ रे शंख चक्र एवं दुई हस्तरे लक्ष्मी एवं सरस्वती मस्तक उपरे हाथ रखिछन्ति नीलमाधव बाम गोड़ काणी आंगुठी सदा सर्वदा गंगा झरुछि झाल बिंदु समान जानखे गुणे स्थान पुणी रही गंगा निरहे वंशीधर कालदिक्रमे ब्रह्मा परे सबर राजा नीलमाधव संधान पाई कोपन नीलमाधव को पूजा करुथिले एपे चलंतु जानिबा सबर राजा विश्वावसु ललिता विद्यापति और राजा इंद्रदिम्न कहानी विषय स्कंद पुराण अनुजाई जड़े तीर्थयात्री इंद्रदिम्न निकट को आसी नीलमाधव को ओडिशा रे पूजा कराउथिबार आसी वर्णना कले यहापर तीर्थयात्री जनक अदृश्य होइगले यहापर राजा तांको कुलपुरोहित भाई विद्यापति को आदेश देले नीलमाधव को संधान करने विद्यापति खोजी खोजी महानदी कूल साबर द्वीप जंगल में पहुँचिले सेठारे सबर राजा विश्वावसु कन्या विद्यापति भेट होता विश्वावसु कन्या ललिता सांगसाथी पा धरी जाते विद्यापति ललिता पा मागिले ललिता कहले आम छोट जाति तुम्हें आम हाथ पा पीले तुम जाति हानि हेब विद्यापति कहले मोर स्त्री पुरुष दुईटी जाति ललिता विद्यापति को पानी दे विद्यापति और ललिता यही ठारे प्रेम हो जाता किसी दिन पर विद्यापति ललिता विवाह करी विश्वावसु घरे रहिले विद्यापति देखिले सबुबले विश्वावसु भोग नहीं कुआडे जाउछंती कथा ललिता विद्यापति पचारे बापा सबुबले कुआडे जाउछंती कि ललिता कहले बापा माधव को पूजा करने को जाउछंती विद्यापति कहले मु माधव को दर्शन करी ललिता कहले मु बापा को अनेक थर कही हेले बापा मते आज पर्यंत से स्थान को नहीं नहांती हौ बापा आसतु मुझे कहबी ललिता विश्वावसु को अली करी कहले झीर अली देखी विश्वावसु राजी हेले गोटे सर्तरे मुने जदि विद्यापति आखिरे अंध पुटुली बांधिनेबी किंतु विद्यापति चतुरता लुगारे सोरिष बांधि छोट कणाटे नीलमाधव पाखक चलिले विश्वावसु दर्शन सारी विद्यापति अवंती राज्य को चलीगले यहापर राजा इंद्रदिम्न विद्यापति अनुगामी नीलमाधव अभिमुखे यात्रा कले हठात एक अघटन घटिला जेतेबेले राजा ब्रह्मादी पहाड़ रे से बाघ गुंफा भितर को गले देखिला बेलकु प्रभु अंतर्ध्यान हो जाइछंती राजा दुखरे भांगी पड़िले नारद मुनि इंद्रदिम्न को कहिले विपद समय धैर्य रखिबा विज्ञ लोकर लक्षण किछि दिन परे स्वयं विष्णु राजा इंद्रदिम्न स्वप्न रे आसी कहिले तुम्हें काली बांकी मुहाणठी को जाओ चारोटी काठ भासुथिबो ताकू आनी तुम्हें मूर्ति निर्माण कर राजा एही कथा पालन कर महदधी चारोटी काठ आनी मूर्ति निर्माण कले जहाँ जगन्नाथ देवी सुभद्रा बड़ भाई बलभद्र और चक्र राजा सुदर्शन नीलमाधवर जगन्नाथ यहीपरी हेले जदि अधिक किसी जानवा चाहती डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक रही चलतु जीवा से धांगिड़ी पहाड़ को जोठी विद्यापति और ललिता प्रेम आरंभ होता शेष होता नीलमाधव मंदिर ठार् मात्र 6 किलोमीटर बाट अतिक्रम कले धानचंगड़ी ग्राम पड़े।
ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛି ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ପାହାଡ଼। ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦିନେ ବୁଲୁଥିଲେ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ ଝିଅ ଲଳିତା। ଶବର ଜାତିରେ ଅବିବାହିତ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଧାଙ୍ଗଡ଼ି କୁହାଯାଉଥିବାରୁ ଏବଂ ଲଳିତା ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଖେଳାବୁଲା କରୁଥିବାରୁ ଏ ପାହାଡ଼ ନାଁ କାଳେ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ପାହାଡ଼। ପୁରାଣ କୁହେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପାଇବା ଆଶାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାପତି। ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଲଳିତା ଓ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ମନ ଦିଆନିଆ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଜଣେ ଶବରଙ୍କ ହାତରେ। ସେ ଶବର ହେଉଛନ୍ତି ଜାରା ଶବର। କଳି ଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜଣେ ଶବରଙ୍କ ହାତରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱବସୁ। ଆଜି ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କର ଗ୍ରାମ ରହିଛି। ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ପାହାଡ଼ରୁ ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ, ଶବରପଲ୍ଲୀ, ଯାହା ଏବେ କାଳିଆପଲ୍ଲୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ସେ ଶବରପଲ୍ଲୀ। ଏଠି ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଓ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ରାଜା ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଗଛ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଗଛ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏପରି ରହିଛି, ଯାହା ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଶବର ରାଜାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଏ ଗଛ ଏପରି ରହିଛି। ଯେତେ ବି ବାତ୍ୟା ଆସୁନା କାହିଁକି, ଏ ଗଛର କୌଣସି କ୍ଷତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଏ ଗଛ କରକୁ ଗୋଟିଏ ହୁଙ୍କା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବେ ନାକଦେବତା ଆସି କ୍ଷୀର ପିଇବାର, ହେଲେ ଏଠି ଏ କାମ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ଏ ଯେଉଁ ହୁଙ୍କା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆଠ ପ୍ରକାର ନାଗ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସେମାନେ ବାହାରନ୍ତି ଏବଂ ସରାରେ ଶବର ଜାତିର ଲୋକମାନେ କ୍ଷୀର ଢାଳନ୍ତି, ନାଗ ଏ କ୍ଷୀର ପିଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯିଏ ନୀଳମାଧବ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ଆଣି ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚାରା ବାଣରେ ନାଶ ଯିବେ ଚକ୍ରପାଣି, ଆପଣା ଦେହ ଛାଡ଼ିବେ ଯଦୁମଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।